जहां पर देश में अनेकों महिलाएं अलग अलग फील्ड में जाकर सरकार की योजनाओं के तहत संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की कर रही हैं। वहीं पीआरडी विभाग द्वारा गांव की कई महिलाओं को घर गृहस्थी के साथ खुद का रोजगार स्थापित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी तक एक और बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल मंगलौर के नारसन गांव में पीआरडी विभाग की महिलाओं को सिलाई की बारीकियां सिखाई जाएंगी और प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का सामान भी वितरण किया गया है। इससे ग्रामीण की जो महिलाएं हैं, उद्यमी महिलाएं हैं, उनके रास्ते में वो अग्रसर हो सकेंगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। हम लड़कियों को सिलाई सिखाएंगे और उन जैसे कहीं कुछ भी सुविधा आती है उन लोगों के लिए उन्हें सिखाते हैं कढ़ाई वढ़ाई और सिलाई सूट वगैरह और जितना भी सिलाई के लिए होता है सब चीज़ सिखाएंगे। लड़कियों को सारा फायदा होगा, जो लड़कियां घर बैठी हुई है वे अपने घर बैठकर सिलाई कर सकती हैं, घर के में अपने भी सूट सिल सकती हैं, बाहर जितने भी बाहर से आते हैं कपड़े उन्हें भी सिल सकती हैं, आर्थिक फायदा होगा। ग्रामीण युवाओं के लिए योजना चलती है रोजगार परक योजना, उसके अंतर्गत 45 दिन का सिलाई प्रशिक्षण शिविर यहाँ शुभारम्भ हो रहा है, जिसमें 25 महिला जो हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी 45 दिन का। और ये स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए है सरकार की स्कीम है कि जिससे कि जनता जो है अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपना रोजगार सृजन कर सके, इसीलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उसका उद्घाटन किया है। हरिद्वार जिले की बात, हर ब्लॉक में ऐसा एक जगह हो रहा है, तो टोटल जो है 6 ब्लॉक हैं यहाँ, तो 150 लोगों को हम सिलाई का प्रशिक्षण देंगे। लाभान्वित जो है 150 लोग, 150 लोग।